पन्ना के गांव सकरिया के करीब एक दर्जन से अधिक किसान अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। दरअसल भू राजस्व के अंतर्गत 1961 से ये किसान अपनी जमीन पर काबिज हैं और उन्हें स्थायी पट्टा भी दिया गया है, लेकिन उत्तर वन मंडल के नक्शे में इनके खेत वन विभाग की सीमा में आ रहे हैं। देवेंद्र नगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत भू राजस्व ग्राम सकरिया के एक दर्जन से ज्यादा किसानों को भू राजस्व विभाग द्वारा सन 1961 में जमीन का पट्टा जारी किया गया था और मालिकाना हक भी किसानों को दिया गया था। सभी किसानों के पास पट्टे भी मौजूद हैं। 61 साल से उनका कब्जा भी उसी जमीन में चल रहा है। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि सन 1957 में भू राजस्व विभाग द्वारा वृक्षारोपण को लेकर ये जमीन वन विभाग को आवंटित की गई है। वन विभाग द्वारा उसी जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य करवाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में किसान परेशान होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और उनका कहना है कि हमें जमीन दिलाई जाए, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कार्य की जमीन जो है पुरखातू जमीनें हैं। सन 61 से जो है हम लोगों के पुरखातू पट्टे हैं और उसमें उत्तर वन मंडल जो है हम लोगों को वहाँ से हटा रहे हैं और हमारी वहाँ से जमीन हटा करके वो कह रहे हैं कि ये वन विभाग की जमीन है, हमको इसमें प्लांटेशन बनाना है। तो अब क्या कहाँ आए हो किसे? तो ये इसके हम जो है निवेदन करने श्रीमान कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं और उनसे अपना ये दुख सुनाने आए हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। हम गरीबों की ज़मीनें हम लोगों को दिलवाई जाए और हम लोगों को यानी उसी से पूरा उधर पोषण होता है। ऐसे कितने किसान हैं जिनके? ऐसे हमारे गांव से लगभग जो है 50 आदमी आए हुए हैं जिनकी ज़मीनें पे वन विभाग उत्तर वन मंडल वाले प्लांटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कार्य जारी कर दिया, उस कार्य को रोका जाए और जब तक इसका निराकरण नहीं होता श्रीमान कलेक्टर महोदय साहब से हमारा निवेदन है कि यानी जो है इस कार्य को अभी जब तक रोक दिया जाए जब तक इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंसरूप सिंह है। विभाग से यानी हमको बहुत परेशान किया जा रहा है और ये जमीन हमारी पसपैली है, हमारे बनवाए पट्टे नहीं, हमारे पूर्वजन के बनवाए हुए हैं। खेती भी करते रहे श्रीमान, अब कुछ दिन से अभी नहीं कर पा रहे इसलिए कि जंगल चारों तरफ हो गई, तो हम थोड़े मोड़े मवेशी भैंसे रखे तो अपने बेड़ा उसी उन्हीं के लिए रखाए, इसलिए खेती नहीं कर पा रहे। तो वो पड़ी है तो वो कहते हैं कि नहीं तो हमको तो इसमें प्लांटेशन बनाना है, जबरदस्ती कर रहे। और आपका पट्टा है? पट्टा जी श्रीमान सन 61 का है, 60 साल हो गए हमें कब्जा किए और बराबर खेती करते हुए। चाहते क्या हम? ये चाहते हैं कि निरीक्षण श्रीमान जी से कि हमारे बच्चों का इन्हें पालन पोषण उसी से होता था और अपनी गुजर बसर उसी से हमें न्याय मिले, वो हमारी जमीन हमको मिल जाए। वहीं पन्ना कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर जांच की बात कही है और कहा है कि राजस्व के कुछ खसरा नंबर में दिक्कतें हैं जिन्हें दूर किया जाएगा और जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं को समाधान किया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इनको राजस्व विभाग ने पट्टे दिए थे लेकिन अब कह रहे हैं कि जंगल विभाग के अंदर की जमीन आ गई है, तो राजस्व और वन की जमीनों को विवाद के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी संबंधित SDM है, पांचों वन व्यवस्थापन अधिकारियों का कार्यालय हमने स्थापित कर दिया है। वन व्यवस्थापन अधिकारी सप्ताह में एक दिन वन विवादों के निराकरण के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। वन विभाग फॉरेस्ट विभाग का स्टाफ लगातार इस पे काम कर रहा है। लगभग 512 गांव हैं पन्ना जिले में जिनमें विवाद ऐसा है, उन गांवों का अभिलेख तैयार कर रहे हैं, अभिलेख की फाइल तैयार कर रहे हैं, उसके बाद इसकी सूचना जारी करेंगे, दावे आपत्तियां लेके अंतिम में सूचना जारी करके सभी विवादों का निराकरण आगामी 5-6 महीने हम लोग कर रहे हैं। जी हालांकि पूरे मामले में सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि एक ही जमीन को दो अलग अलग जगह में क्यों आवंटित किया गया, कहीं न कहीं राजस्व विभाग की गलती या भू राजस्व विभाग के नक्शे में त्रुटि, विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर किसानों को भटकना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि भू राजस्व एवं वन विभाग किसानों को कहां जमीन उपलब्ध करवाएगा। पन्ना से पंजाब केसरी TV के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।